इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बेलगाम शहर की सुर्खियों पर एक नज़र। या सबसे कहिए कि सबसे बड़ी खबर के तौर पर किसान कायद राकेश सिंह टिकैत की बेलगाम में आमद। किसान कानून को लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ क्या कहा राकेश सिंह टिकैत ने? किसान महापंचायत में मरकजी हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग की बात कही। कहा ट्रैक्टरों को टैंक बनाओ, मुल्क के संविधान को बचाओ, जब तक बिल वापस नहीं घर वापसी नहीं। दिगर अहम खबरों में कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकिहोली को ईसाई समाज की हिमायत। भाजपा के कारकुनान हुए कांग्रेस में दाखिल, कल से शुरू होगा नुमानी अस्पताल। बेलगाम लोकसभा चुनाव के कुल 18 उम्मीदवारी अर्जियां दाखिल। हल्का दलित को तौहीन आमोज अल्फाजों से गालियां देने पर एट्रोसिटी के तहत जुर्म दायर करने की मांग। आज फिर तकरीबन 40 पॉजिटिव मामलों की इत्तला हासिल। और आखिर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से शादी में फिजूल खर्ची और दहेज पर उम्मत को सुन्नत के मुताबिक शादी करने पर इकरारनामा। खबर तफसील से। आज बेलगाम किसान महापंचायत का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने शिरकत फरमाई। किसान महापंचायत के मेहमान खुसूसी फिलहाल भारत का मोदी विरोधी चेहरे के तौर पर देखे जाने वाले किसान कई राकेश सिंह टिकैत थे। वैसे आज किसान महापंचायत के लिए सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, पर हुबली में किसान महापंचायत के इजलास को मुकम्मल करके बेलगाम पहुंचने में काफी देरी हुई, लिहाजा तपती धूप में भी किसान बैठे रहे। किसान महापंचायत के लिए दूर दराज से किसानों ने शिरकत फरमाई और किसानों के खिलाफ लाए गए नए 3 काले कानूनों को जब तक पीछे नहीं लिया जाएगा, लिहाजा यह आंदोलन एहतजाज चलता रहेगा, ऐसा किसान कायद राकेश सिंह टिकैत ने कहा। अगर आज की तकरीर को एक इंकलाबी तकरीर कहा जाए तो गलत न होगा, जिस कदर किसान कायद राकेश टिकैत ने मोदी हुकूमत के खिलाफ बेबाकी से आवाज उठाई है, क्या यह एक नए इनकलाब का आगाज है? ऐसा सवाल भी जहन में आता है, लाजिम होता है। वैसे तो पहले ही किसानों ने कोरोना के बहाने इस इजलास को रद्द करने की कोशिश ना करें ऐसा इशारा पहले ही दिया था, लिहाजा पुलिस इंतजामिया ने भी खामोशी इख्तियार की थी। शायद भाजपा हुकूमत इस आंदोलन में रुकावट पैदा करती तो शायद फिर यह नई मुसीबत हो सकती थी, लिहाजा यूरोपा हुकूमत ने महज ट्रैक्टरों पर रोक लगा दी, जिसके बावजूद भी किसान कारो जीप सुमो क्रूजर ट्रक और पैदल इसमें शिरकत फरमाई। किसान कायद राकेश सिंह टिकैत ने सरकार पर सीधे टकराने की बात करते हुए कहा कि हुकूमत के खिलाफ हर छोटे मोटे गांव में एक ट्रैक्टर और 15 किसान मिलकर एहतजाज करें और जहां भी पुलिस या हुकूमत की जानिब से रोका जाएगा वहीं से आंदोलन की शुरुआत करो, ट्रैक्टरों को टैंक बनाओ और जब तक पुलिस के आंसू गैस का शेल तुम पर नहीं चलाए जाएंगे आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता। बैरिकेड्स तोड़ने की भी बात किसान कायद राकेश सिंह टिकैत ने कही। उन्होंने और कितने दिन एहतजाज चलेगा इस बात पर कहा कि जब आजादी आंदोलन 90 साल तक चला था तो ये भी चलता रहेगा। मोदी हुकूमत को अंग्रेजों से ताबीर करते हुए नई जंग आजादी लड़ने की बात कही और यह मोदी हुकूमत किसानों को अमीरों के हाथों बेचना चाहती है। कहा दिगर किसान कायदों ने भी मोदी हुकूमत के खिलाफ खुलकर अल्फाजों के तीर चलाए, पूरे मुल्क में इनकलाब की मशाल को जलाने की भी बात राकेश सिंह टिकैत ने कही। गांव गांव शहर शहर इस तहरीक को बढ़ाते जा रहे हैं और हम यकीनन कामयाब होंगे, ऐसा इत्मीनान भी राकेश सिंह टिकैत ने दिलाया। एक अहम बात भी इस वक्त यह भी महसूस की गई कि आज मीडिया में बड़े पैमाने पर कवरेज नहीं दी गई जितनी कवरेज हमने से पहले वजीर दाखला या वजीर आला के वक्त देखा गया था। अपना किरदार किस तरह से मीडिया निभा रही है इस पर भी कई सवाल खड़े किए गए। अगर सच में देखा जाए तो मीडिया को तो अपना असल किरदार निभाना चाहिए था, जो यह नजर नहीं आ रहा। हुकूमत की चापलूसी में कैसे पत्रकारिता चाटुकारिता बनती जा रही है, इसे अगर आज के इस किसान महापंचायत के इजलास को देखकर हम अंदाजा लगा सकते। खैर आज का किसान महापंचायत का इजलास कामयाब रहा। अब देखना यह है कि राकेश सिंह टिकैत ने जितने पूरे मुल्क में किसानों के काले कानूनों की मंजूरी को लेकर एहतजाज आंदोलन शुरू किया है किस हद तक कामयाब हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त बता देगा।
हमने ये कहा कि अभी हमने जो तैयारी करी है वो नवंबर दिसंबर तक की तैयारी कर रही है, आगे की फिर बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे, हाँ बढ़ा देंगे। कुछ अल्टीमेट नहीं है अभी? ना ना, अल्टीमेटम कुछ नहीं, हम तो पट्टे। कितने साल तक चलेगा कुछ इसकी? देश में जब आजादी की लड़ाई चली वो 90 वर्ष चली, अब ये किसान की आजादी की लड़ाई ये कितने साल चलेगी क्या पता, हमको ज्योति तो है नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में जबकि हर मामले को जो भी हो सत्ता के खिलाफ है या हुकूमत से सवाल करता है उसको देशद्रोही ठहराया जा रहा है, तो ऐसे में आप जो है ये इस तहरीक को एक इनकलाब को लेकर चल रहे हैं? इनकलाब को लेकर चल रहे हैं इसमें, तो आपको अब कोई परमिशन नहीं लेने के, हम बगैर परमिशन के मीटिंग करेंगे। ये परमिशन ही तो है, एक टेंट नहीं लगे, मतलब कागज के टुकड़ों पर परमिशन लेंगे तो अधिकारी हमको परमिशन देगा, टेंट लगाओ, एसी लगाओ, हम बिजली देंगे, हम यहाँ पर तारीख वाएंगे, आपको ये होता है? नहीं, इस बारे में क्या कहेंगे कि नॉर्थ से जो है साउथ में ये इनकलाबी तहरीक कम नजर आ रही है, इसकी क्या वजह आ जाएगी? ये तो लाल जमीन है, लाल धरती है, यहाँ की रानी चन्ना माँ की जमीन है, ये उन्हें लगान के खिलाफ आंदोलन करा था, ये कानून के खिलाफ आंदोलन यहाँ से उठागा, और विधानसभा पास में ही है, यहाँ इसी विधानसभा को घेरेंगे पहले, यही गिरेगी। हाँ, आपको नहीं लगता कि सरकार मानेगी? सरकार थोड़ी सी लेट मानेगी, मानेगी तो। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे किसान कैद राकेश सिंह टिकैत साहब, बड़े ही इनकलाबी अंदाज में और बेबाक अंदाज में उन्होंने कहा कि अपने ट्रैक्टरों को टैंक बनाओ और इनकलाब ऐसे ही आएगा। ऐसा लग रहा है कि भारत देश के अंदर जहां सत्ता से सवाल करना एक कानून है, एक जुर्म है, एक गुनाह समझा जा रहा है, ऐसे में राकेश सिंह टिकैत जैसे इनकलाबी कैद पैदा होते हैं और आवाम में एक जोश और जज्बा भरने की कोशिश करते हैं। उम्मीद आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरह से इस इनकलाब की आवाज़ गूंजेगी इस पूरे मुल्क में। आज कांग्रेस कायद सतीश जारकिहोली के गुलपो शीर शर्वन कैथोलिक स्कूल इहाते में फरमाई गई। इस वक्त ईसाई समाज के कारकुनान कसीर तादाद में शरीक रहे। फादर ने सतीश जारकिहोली की जमकर तारीफ फरमाई और हर हाल में सतीश जारकिहोली को जिताने का अज्म किया और तमाम ईसाइयों की जानिब से कामयाबी के लिए दुआ फरमाई। इस वक्त कसीर तादाद में ईसाई माशरे के लोग यहाँ पर जमा हुए थे। इस वक्त सतीश जारकिहोली ने कहा कि बिना किसी मजहब जात तफरके के पिछले 20 सालों से मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, लिहाजा अब मुझे दिल्ली भेज कर खिदमत अंजाम देने का एक और मौका हमें फराम करे। इस वक्त दिगर इस समाज के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आज कांग्रेस किसान कमेटी की जानिब से कांग्रेस भवन में इजलास मुनक्कद किया गया था जिसमें सतीश जारकिहोली को जिताने का फैसला किया गया। इस वक्त भाजपा से कांग्रेस में कुछ कारकुनान ने शिरकत भी फरमाई जिन्हें कांग्रेस का गमछा पहनाकर सतीश जारकिहोली ने शमूलियत अख्तियार करने वालों का इस्तकबाल किया। बेलगाम में रहमान फाउंडेशन के नुमानी अस्पताल की इफ्तिताह हाल ही में मौलाना सज्जाद नुमानी के हाथों अमल में आई थी, लिहाजा नुमानी अस्पताल के जिम्मेदार जनाब हनीफ सिद्दीकी ने इत्तेहाद न्यूज को बताया कि कल 1 अप्रैल से नुमानी अस्पताल मुकम्मल तौर पर शुरू होगा। वाजह है कि गरीब जरूरतमंदों के मद्देनजर बिल्कुल वाजिब दामों में मरीजों का बेहतरीन इलाज किया जाएगा। उन्होंने यह देखा जा रहा है कि आज के दौर में कुछ अस्पताल या क्लिनिकों में मरीज को मरीज नहीं बल्कि बतौर ग्राहक देखा जा रहा है और किसी तरह से मरीज को ज्यादा बिल भरने पर मजबूर किया जा रहा है, लिहाजा गरीब जरूरतमंद मरीज बेबस हो जाते हैं, लिहाजा कोरोना के दौर में इसका एहसास भी सभी को हुआ। इसी के मद्देनजर यह अस्पताल को शुरू किया गया, ऐसा रहमान फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने इत्तेहाद न्यूज़ को बताया। माहिर डॉक्टरों की टीम मरीजों की जांच करेगी, कल 1 अप्रैल से ओपीडी जारी रहेगी। बेलगाम लोकसभा जमीन इंतखाबात उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करने का आज आखिरी दिन था, लिहाजा कुल 18 उम्मीदवारों ने बेलगाम लोकसभा के लिए उम्मीदवारी दाखिल की। भाजपा कांग्रेस समिति शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस और दिगर पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों की कुल तादाद 18 हो गया। आने वाले 3 तारीख को उम्मीदवारी पीछे लेने की तारीख है। 17 तारीख को चुनाव होंगे। मंगला अंगड़े और सतीश जारकिहोली के दरमियान ही कड़ा मुकाबला होने वाला है। समिति की जानिब से शुभम शेड़के ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। दलित समाज के कुछ लोगों ने दलित समाज के बारे में तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल कर गाली गलौज कर हमला करने का इल्जाम लगाकर अपनी फरियाद दर्ज करते हुए इस जुर्म में 43 लोगों पर एट्रोसिटी का मुकदमा दायर करने की मांग आज पुलिस कमिश्नर के सामने की गई। हासिल इत्तला के मुताबिक कई दलित परिवार के अफराद जिनमें निखिल दुर्गेश वाड़गामी पारस सुरेश बम्बनवाड़ी और गाँव के दिगर दलित समाज के लोगों ने सालगिरह मनाते वक्त दूसरे समाज के कई अफराद आए और उन्होंने दलित समाज को भला बुरा कहते हुए गालियां दी, मारपीट की कोशिश भी की, इन पर फौरी कार्रवाई करें ऐसा मुतालबा पेश किया गया।
फिर एक बार कोरोना मामला बढ़ने की इत्तला हासिल हो रही सेहत महकमा की जानिब से शाया बुलेटिन के मुताबिक कुल 39 अपराधों को पॉजिटिव पाया गया, जिसमें शहर और बेलगाम तालुके के 33 मामले हैं, फिर सौंदती एक, चिक्कोड़ी तीन, बेलगाम तालुका के 33 मामले हैं, फिर सौंदती एक, चिक्कोड़ी तीन, खानापुर एक, गोकाक में एक पॉजिटिव होने की खबर है। पॉजिटिव मामले जितने भी बढ़े पर आवाम बेखौफ नजर आ रही है। वही कल खुद वजीर आला येडियुरप्पा तो बिना मास्क के ही टहलते नजर आ रहे थे। कहने का मतलब महज पॉजिटिव मामले के बुलेटिन के साथ सियासी लीडरों पर भी कुछ पाबंदियां आयद करने की कोशिश करें, ऐसा आवाम का कहना है। आवाम को भी कोरोना को लेकर इतना तजुर्बा कही है, मालूमत हो रही है कि अब चुनाव होने तक तो कुछ होने वाला नहीं है, पर हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि आवाम की राय है कि 17 तारीख के बाद कुछ सख्तियां हुकूमत बरत सकती है, क्योंकि 17 को चुनाव होंगे, उसके बाद वैसे भी रमजान तो महीना भर रहता ही है, इतना जरूर है कि कोरोना सियासी इजलासों से कम और मस्जिद मंदिर से ज्यादा फैलता है क्या, ऐसा सवाल भी आवाम जरूर पूछ रही है, पूछने होंगे, क्योंकि सवाल पूछना ही तो लोकतंत्र है। कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार डॉक्टर अब्दुल कदीर की जानिब से शहर के इल्मी जिम्मेदारान को होटल नियाज के बैंकेट हॉल में मधु किया गया था, जिसमें माशरे को इकरारनामा पर अमल करने की हिदायत दी और कहा कि इकरारनामे को हर घर तंजीम मस्जिद इदारों में लगाया जाए। दरअसल इस मीटिंग का मकसद माशरे में शादी को लेकर फैलती बुराइयां हैं, खासकर अहमदाबाद की आयशा मामला का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम माशरे में दहेज को लेकर बुराई इंतहा पर पहुंच चुकी है और जो कौम जहालत में मुबतला होगी कभी फला नहीं पा सकती, लिहाजा तमाम उलमाए बेलगाम और अहम जिम्मेदारों से इस मसले पर संजीदगी से अमल करने की मांग करते हुए जो भी अपराध फिजूल खर्ची या शादी में दहेज बैंड बाजा या किसी तरह की मांग लड़की वालों से करते हुए पाए तो इसका सामाजिक बायकॉट किया जाए। माशरे में बढ़ती बुराइयों को सख्ती से निमटने के लिए कार्रवाई जरूरी है, ऐसा भी डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा। इस वक्त मुफ्ती अब्दुल अजीज, मौलाना साजिद, मौलाना सलीम, मुफ्ती जुहैर, मौलाना मुश्ताक अशरफी, रियाज औटी, शाहिद मेनन, जावेद पीरजादे, सलीम लंडूर, अब्दुल गफूर गीवाले, अब्दुल रऊफ बागेवाड़ी, अशफाक मड़की और दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।